नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, डिजिट चेंज करके आएंगे लेकिन आएंगे। क्वेश्चन है ए राइट ट्रायंगल एबीसी विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह का, है ना। ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर के साइड से क्या कर रहा है, इसको ऐसे घुमाया जाता है। जब इसको घुमाया जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से ये फॉर्म करेगा एक सर्कल का, नीचे सर्कुलर कोन बनाएगा। ये कैसा बनाएगा, ऐसा सर्कुलर कोन बना देगा। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द साइड सो ऑब्टेन, तो इससे जो वॉल्यूम निकलेगा उस वॉल्यूम को निकालना है। तो वॉल्यूम, अब यहाँ पे जब इस तरह से सर्कुलर कोन हो जा रहा है तो हम लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। देखिए तो रेडियस क्या बन गया हमारे पास, रेडियस हो गया यहां से यहां तक नीचे वाला, ये 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और इसका हाइट क्या हो गया हमारा, हाइट इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका एल भी हमारे पास हो गया 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमें वॉल्यूम निकालना है तो इस 13 सेंटीमीटर का हमारे पास यूज नहीं होगा, अब इन दोनों से ही हमारा काम चल जाएगा। तो लिखते हैं वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और ये पाई आर स्क्वायर और ये एच, तो ये हो गया 1/3 और पाई के जगह पे आपको पाई लिख लेना है, अब इसका वैल्यू पुट नहीं करना है आपको, और आर के जगह पर आपको लिख लेना ये वाला 5 × 5 और एच के जगह पर आपको लिख लेना ये 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 = 25 को 4 से करेंगे तो ये जाएगा 100 और इसके आगे लिख लेना है पाई और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर पाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं लेकिन किताब के पीछे आपका आंसर 100 पाई दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं की। अगर आप पाई का वैल्यू पुट कर देते तो ये 2200/7 इसका आंसर हो जाता, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपरों में आते हैं तो इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।